पहुंच गए। ये पहला व्यू है आपका ओली स्की रिजॉर्ट का। इस तरह का व्यू देखिए, ओली की जो जान है, ओली की जो पहचान है इस लेक की, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एंड दो डबल ऑक्यूपेंसी वाला 6,500 रुपये का है। इस वक्त मैं निकल रहा हूँ ओली की ट्रिप के लिए और हमने स्टार्ट किया है जोशीमठ से। पहुंच गए, ये पहला व्यू है आपका ओली स्की रिजॉर्ट का। लुक एट दिस। अगर आप लेक तक जा रहे हैं या ट्रॉली से ऊपर जाना चाहते हैं तो ट्रॉली सर्विस 500 रुपये में यहाँ अवेलेबल है। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ये स्टेयर्स हैं जो आपको लेकर के जा रही हैं ट्रॉली तक। बनाए गए हैं यहाँ पर 701 704। देखिए कितना बड़ा रिजॉर्ट है ये GMVN का, इसे ओली स्की रिजॉर्ट कहा जाता है। आप जब यहाँ आएंगे तो अगर आप स्कीइंग करना चाह रहे हैं विंटर्स में, अभी तो बर्फ़ नहीं है, इस तरफ जा कर के आपको स्की शॉप रूम मिलेगा। अब वहाँ से स्की लीजिए, यहाँ से क्लाइम करिए और चाहिए ट्रॉली तक। ट्रॉली से वो आपको ऊपर ले जाएंगे और आप स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं। ये वो कॉटेज हैं जो रेंट पे अवेलेबल होती हैं। अभी देखिएगा, जैसे ये 602 नंबर कॉटेज है, आप ओपन करें इस तरह का व्यू देखिएगा। ज़्यादातर कॉटेज अनलॉक रहती है। जहाँ मैं अभी पहुँच रहा हूँ ये ट्रॉली रूम है, यहाँ से 500 रुपये पे करिए, ये आपको डायरेक्ट टॉप तक ले जाएंगे। और वो जो आपको टावर दिख रहा है ये सामने, वो रोप वे है, वो भी आपको आपको आगे लेके जाता है और ये ओली से स्टार्ट होता है। 750 रुपये की टिकट है यहाँ पर ऑफ सीजन में, सीजन में भी इस रेंज में 1,000 रुपये के आसपास। जी अब हम पहुँच चुके हैं चेयर लिफ्ट की तरफ। विंटर्स में आप यहाँ आते हैं तो ये पूरा स्नो कवर होता है एरिया, और ये आपको चेयर लिफ्ट ऊपर लेके जाएंगे। अब वहाँ से स्कीइंग करते हुए यहाँ आइए, स्की वापस डिपॉजिट करिए और चले जाइए। चेयर कार आपको दिखा देता हूँ क्या है, ये देखिए इसी चेयर कार कहा जाता है। आप यहाँ इस पर बैठते हैं और ये आपको लेके जाता है वो ऊपर स्टॉप तक। डिपॉट एक ऊपर जाती है एक नीचे आती है, उनकी सेटिंग ऐसे की हुई है, एक जाती रहेगी एक आती रहेगी, जितना आगे बढ़ रहा है उधर से उतनी आ रही है। क्यों अब स्नो है तो आप क्लाइम नहीं कर पाते, और आप स्कीइंग करने आए हैं तो स्कीइंग करते हुए स्कीइंग पहने हुए या ले करके आपको इतनी दूर तक जाना
बहुत मुश्किल होता है, तो इस सिचुएशन में चेयर कार बहुत यूज होती है, कंटिन्यूस चलता ही रहता है। लंच टाइम 1 to 1:30 30 मिनट तब नहीं। शानदार है। इस जगह पर मैं लास्ट टाइम आया था फैब में, करीब नियर बाय वैलेंटाइंस डे, तब ये पूरा स्नो कवर था, बर्फ गिर रही थी उस वक्त, और ये सब चेयर कार जो इस वक्त सुनसान पड़ी है क्योंकि URCTC से यूज़ करते हैं, ये उस वक्त फुल चल रही थी। कुछ रूल्स हैं यहाँ पर जब आप विंटर्स में आते हैं स्कीइंग के लिए। ये डेडिकेटेड स्लोप है, आप देख पा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक आपको लेकर के आएगा। तो ये जो स्लोप है ये स्कीइंग के लिए ही डेडिकेटेड है, इस पर पैदल चलना अलाउड नहीं है। पैदल चलने का रास्ता यहाँ से, आप इस पर चल करके जाइए ऊपर, ये स्कीइंग करने वालों के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड भी लगा है। और एक दो रूल्स लिखे हैं कि साफ़ सफाई रखिए, आने वाले स्कीयर का ध्यान रखिए जब आप यहाँ से जा रहे हो, तो और इसी तरह की दो तीन चीज़ें और हैं। मैं आपको एक बार नज़ारा यहाँ का दिखाता हूँ कि किस तरह का है जहाँ मैं बैठा हूँ। अभी मैं इस वक्त GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर हूँ। ये व्यू है, देखिए पीछे माउंटेन्स आपको दिखेंगी, टॉप पे जो माउंटेन्स हैं वो अभी भी स्नो कवर्ड है, और टूरिस्ट अभी उतना नहीं है, शायद अभी उतने लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए खाली खाली लगेगा आपको, या हो सकता है कि यहाँ ना हो इस वक्त, लोग ऊपर लेक की तरफ गए हों, तो थोड़ी देर में मैं भी उसी तरफ निकलूँगा, थोड़ा बैठ के यहाँ के नज़ारों को एंजॉय कर रहा हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है। अच्छा, इस वक्त भी ये अभी देखेंगे आप, जब हम नीचे 40-50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को प्लेन में फेस कर रहे हैं, यहाँ प्लेजेंट वेदर है, मुझे जैकेट पहननी पड़ी क्योंकि ठंड लग रही है, हवा एकदम ठंडी है, और इन दिनों क्योंकि टॉप पे माउंटेन्स पर ऊपर बर्फ़ गिर रही है और अभी भी वहाँ बारिश हो रही है, तो नीचे उसका असर दिखता है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे भी गर्म था, पर इस वक्त यहाँ प्लेजेंट है, ठंडा है, जैकेट पहनना ठीक है, कितनी देर पहन पाता हूँ ये नहीं पता, पर ये ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। ये वो पॉइंट है जहाँ तक लोग स्कीइंग करके आते हैं, और वो ट्रॉली उधर से आती है सीधा औली से, आप ट्रॉली में बैठ करके 750 रुपये खर्च करके यहाँ पहुँच जाते हैं। सीजन का रेट अलग हो सकता है, विंटर्स में तो हम लोगों ने इतने ही पे किया था, फिर भी एक बार पूरी एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको नीचे लिखी हुई मिलेगी इसी वीडियो में, अगर कोई डेविएशन हुई तो, अगर सेम इन्फॉर्मेशन है तो आप इसी को रिलाई करिएगा। पथरीली ज़मीन पे भी पौधे उग ही आते हैं, है ना। पत्थर के ऊपर आपने इस तरह की रंगत देखी, ये घास मुझे बड़ा पसंद है, ये पत्थर पे उग जाता है। मेरी कोशिश थी कि मैं अपने घर पर इस घास को, इस पौधे को उगाऊं, क्योंकि दीवार के ऊपर अगर ये पौधा उगा होगा तो कितना अच्छा है। देखिए पत्थर के ऊपर नेचर कैसे खुद को ग्रो करती है, ये जो घास है और जो मिट्टी उड़ के आती है इसमें फंस जाती है, पौधे सड़ते रहते हैं और ये एक मिट्टी का काम करते हैं, ये जब मिट्टी यानी सॉइल बन जाती है कुछ टाइम बाद, तब इसके ऊपर फिर ये घास और ये पेड़ उगने शुरू होते हैं। तो पत्थर के ऊपर भी हरियाली है, नेचर जीत जाती है। इसको अच्छाई कह सकते हैं, अगर आप इसको बुराई कहना चाहें तो बुराई कह सकते हैं, लेकिन हर अच्छाई कहीं ना कहीं बुराई के बेस पे ही खड़ी होती है, इसलिए तो हर मूवी में एक विलन भी होता है और हीरो भी होता है। सोचिए विलन ही ना हो तो हीरो हीरो कैसे रहेगा, लड़ने के लिए उसकी अहमियत दिखाने के लिए हीरो का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हीरो हमारे ये प्लांट्स और ग्रास है, और विलन आप इसको कह सकते हैं, इसलिए तो इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना क्यों रिकॉर्ड करना करता, पेड़ ज़मीन पर उगे हुए किसी के और को मैंने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। मैं इस घास के बारे में आपको बता रहा था, ये घास या ये छोटा सा पौधा उस जगह पत्थर के ऊपर उगता है, ये इसकी खासियत है, जहाँ रॉक होगी ये उसके ऊपर उगेगा, तो यानी घर पे अगर आपके पास वॉल है तो उस वॉल पे जो कंक्रीट वॉल है उस पे भी ये उगेगा। मैं ले गया था इसका छोटा सा
वो करके मैं दीवार पे उगाना चाह रहा था, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है अगर आप इसको देखेंगे यहाँ, ये बहुत खूबसूरत लगता है। छोटी छोटी सी टहनियाँ हैं ये और ऊपर ये पत्ते हैं और एकदम सट के चलता है, एक जगह इसको मिल जाए फिर दूसरी जगह मिल जाए तो ये ऐसे उगता रहेगा, खूबसूरत है। पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत है दोस्तों। एक बार मैं आपको हिल्स दिखाता हूँ कि किस तरह की दिखती है यहाँ से। तो ये स्काई है, उसके नीचे स्काईलाइन और वो हिल्स कितनी खूबसूरत लगेंगी। ये देखिए थोड़े क्लाउड्स हैं ऊपर, इसलिए आपको वो टॉप के ऊपर एक चोटी पे जो पहाड़ दिख रहा है वो नहीं नजर आ रहा है। लेक देखिए, लेक के आसपास का एरिया देखिए, ये औली है जहाँ पर हम अभी हैं। और जो केबल कार आती है वो वहाँ लेके जाएगी आपको, केबल चेयर अलग है, केबल कार अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये औली से चलती है केबल कार और 750 रुपीज़ में आपको वहाँ ड्रॉप करेगी। तो वहाँ से आप नज़ारा देखेंगे सबसे पहले इस लेक का और इसके आसपास का। ये देखने के बाद आप पहुंच जाएंगे चलते हुए वहां से नीचे लेक पर। आप लेक पर आइए, बैठिए, ये बेंच लगे हैं हर तरफ, मौसम का मज़ा लीजिए और नज़ारों को मज़ा लीजिए। ये है औली आप सबके लिए कैंपिंग ट्रेवलर इंडिया की तरफ से। तो उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा आपको, मुझे तो मज़ा आ रहा है। थोड़ी जानकारी आपको मोबाइल नेटवर्क के बारे में देता हूँ। इस एरिया में आपको एयरटेल, वोडा, आइडिया ये सब नेटवर्क मिलेंगे, जियो यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि उत्तराखंड के इस एरिया में जियो अभी तक नहीं है। दो, वायरिंग का काम चल रहा है अभी, लगेगा करीब करीब 6 से 8 महीने औली में जियो का नेटवर्क आने के लिए। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ लेक पर, यहाँ आइडिया एकदम नल क्रॉस लगा आ रहा है, ऐसे कुछ हाल एयरटेल का भी है। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि इस एरिया में आपको नेटवर्क का इशू आएगा, हो सकता है ऊपर उस तरफ ना आए, क्योंकि नीचे जब मैं था वहाँ पर उस जगह पे कॉल्स आ रही थी मुझे और नेटवर्क भी था, डेटा काम कर रहा था अच्छे से। जब मैं यहाँ आया लेक के पास, जिस जगह पे मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो छोटा पैच है उस तरह का जहाँ पे नेटवर्क का इशू आपको आएगा, अदरवाइज़ औली में वैसे नेटवर्क आता है, 4G कनेक्शन चलता है। और टावर कहीं दूर है तो इस एरिया में बिकॉज ऑफ ये हिल की वजह से शायद ऐसा है, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। लीजिए, इस वक्त मैं दूसरे एंड पर आ गया हूँ। औली की जो जान है, औली की जो पहचान है, इस लेक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एंड है औली का, लेक का, और यहाँ से ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। देखिए
अब मैं जा रहा हूँ जीएमवीपी इनके गेस्ट हाउस की तरफ। आपकी जानकारी के लिए टैरिफ एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ। फोटोग्राफ थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई है, स्की रिजॉर्ट और नंदा देवी इको रिजॉर्ट कॉस्टली है। दो ही तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसमें। पहला ऑप्शन आपके पास हो 6,300-7,300, मतलब 7,500-6,500, दो तरह के रूम हैं। 7,500 वाले में 4 लोग अकोमोडेट किए जाते हैं और 2 डबल ऑक्यूपेंसी वाला 6,500 रुपये का है। तो ये कॉस्टलियर साइड है अगर आप यहाँ रुकना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा जो नीचे रिजॉर्ट है वहाँ पर 280 रुपये से शुरू होता है डॉर्मेट्री, उसके बाद सीधा जंप जाएगा 2,000 रुपये में। तो 2,000 रुपये में आपको डबल ऑक्यूपेंसी वाला इको के नाम से रूम है वो मिल जाएगा और हाईएस्ट जा सकता है 5,500 रुपये तक। तो ये कॉन्सेप्ट है, 5,500 में 4 की ऑक्यूपेंसी। डोम बेड डॉर्मेट्री जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बेड लगाए गए हैं वो बंक बेड्स हैं। एक में 4 लोगों को अकोमोडेट किया था, इनका कहना है कि वहाँ 6 या 5 इस तरह से डोम मिल जाएंगे जिसमें 24 या 25 लोगों की टोटल कैपेसिटी होती है। और ये डिपेंड करेगा कि अवेलेबल है या नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन मैंने पूछा तो कहता है कि नहीं, वो वहीं से बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ ऑनलाइन बुकिंग करना एक अच्छा ऑप्शन है, आने के पहले बशर्ते दिख जाए ऑनलाइन अवेलेबल है।